अहले सुन्नत के नज़दीक हज़रत मुआविया की ताज़ीम व तकरीम और उनकी अकीदत व महब्बत लाजमी और ज़रूरी है। सवाल ये है, इसकी वजूहात क्या है? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, चंद एक का तज़किरा आज की गुफ्तगू में करना चाहूँगा। सबसे पहली वजह, आपकी ताज़ीम व तकरीम और अकीदत व महब्बत के लाजिम और ज़रूरी होने की आपका शर्फ़ इस्लाम है। इस्लाम का शर्फ ऐसा शर्फ है जो मुसलमान को गैर मुसलमों से मुमताज़ कर देता है, जिससे इलाके, कबीले, ज़ुबान के इख्तलाफ के बावजूद एक शख्स दूसरे का भाई करार दिया जाता है। अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया, इन्नमल मुमिनून इख्वा, मोमिन आपस में भाई भाई हैं। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। इलाका एक नहीं, ज़ुबान एक नहीं, कबीला एक नहीं, इसके बावजूद एक शख्स को दूसरे का भाई करार दिया जा रहा है फकत शर्फ इस्लाम की वजह से। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो 18 साल की उम्र में सुलह हुदैबिया के बाद फतेह मक्का से पहले सन 7 हिजरी में उमरतुल कज़ा के मौका पर मुसलमान हुए और मरवा पहाड़ी के पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक काटने की सआदत हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो के हिस्से में आई। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो ने उस वक़्त वालिद के मुसलमान ना होने की वजह से मजबूरी के तहत अपने इस्लाम को अपने वालिद और अपने घराने से छुपाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं छुपाया, उनके सामने इजहार कर दिया। चुनाचे अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अलबिदाया व नहाया में हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो का अपना कौल जिक्र किया। फरमाते हैं, असलम तो यौम उमरतुल क़ज़ा, मैं उमरतुल क़ज़ा के मौका पर मुसलमान हो गया। वलाकिन्नी कतम तो इस्लामी मिन अबी इला यौमिल फ़त्ह, लेकिन मैंने अपने इस्लाम को फतेह मक्का के दिन तक अपने वालिद से छुपाए रखा। इस्लाम कबूल कर चुके थे सन 7 हिजरी में। फतेह मक्का के मौका पर जब वालिद अबू सुफियान भी मुसलमान हो गए तो रुकावट ख़त्म हो गई, तो फिर सबके सामने अपने इस्लाम को जाहिर कर दिया। तो वो ज़हूर का मौका है, कबूल इस्लाम का नहीं, वो सन 7 हिजरी में आप कबूल कर चुके थे। यही वजह है कि आपको मदीना तय्यबा में क़याम की इजाज़त मिली, वगरना तो हुजूर ने फरमा दिया था, ला हिजरत बादल फ़त्ह, फतेह मक्का के बाद कोई भी मक्का से मदीना हिजरत करके ना आए। आपको मदीना में क़याम की इजाज़त का मिल जाना, ये इस बात का वाज़े सबूत है कि आपका इस्लाम फतेह मक्का से पहले का है। और इस तरह इस्लाम को छुपा लेना, इसकी और भी मिसालें मिलती हैं। एक मिसाल हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की है। वो बदर के मौका पर मुसलमान हो चुके थे
उन्होंने भी अपने इस्लाम को फतेह मक्का तक छुपाए रखा। हजरत मुआविया ने एक साल तक जाहिर नहीं किया, हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला उन्होंने 6 साल तक जाहिर नहीं किया। और ये मैंने तमसील इसलिए जिक्र की ताकि हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हों पर किसी को एतराज की हिम्मत ना हो इस मामला में। तो इज्जत व तकरीम की पहली वजह शर्फ इस्लाम है। आपके खानदान के कितने अफराद थे, कितने अशखास थे जो आपके रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार होने के बावजूद इस्लाम के शर्फ से महरूम रहे। अल्लाह ने हज़रत मुआविया को ये शर्फ़ अता फरमाया और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में अता फरमाया। फिर आपका इस्लाम, इसके साथ एक बड़ी दिलचस्प बात वाबस्ता है। 18 बरस की उम्र में कबूल किया, कड़ियल नौजवान थे, चढ़ती चमकती जवानी थी, जंग लड़ने के माहिर थे। वालिद अबू सुफियान जो उस वक़्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, वो कुफार के अस्करी लश्कर के सरबराह थे। इसके बावजूद हजरत मुआविया की कोई सरगर्मी इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ कबूल इस्लाम से पहले भी नहीं दिखाई जा सकती। बाद में तो कैसे, वो तो आए ही इस्लाम की हिमायत के लिए थे। हालांकि बहुत सारे सहाबा हैं जो कबूल इस्लाम से पहले नबी और असहाबे नबी के मुकाबला में तलवार लेकर आए हैं, इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जंग की। हजरत अली के सगे भाई अकील बिन अबी तालिब बदर के मैदान में आए, हजरत खालिद बिन वलीद अहद के मैदान में आए, हजरत अब्बास बदर के मैदान में आए। बहुत सारे अफराद हैं कबूल इस्लाम से पहले मुसलमानों से लड़ते रहे, लेकिन हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो के हाथों में जमाने जाहिलियत में भी, कबूल इस्लाम से पहले भी कभी इस्लाम और मुसलमानों की मुखालफत में तलवार नहीं आई। पता चला अल्लाह ने ये हाथ रोजे अव्वल से ही वही और कुरान की किताबत के लिए चुन लिए थे। तो जिन हाथों को अल्लाह ने किताबत वही के लिए चुन लिया हो, वो वही साहिब वही और उसके साथियों के खिलाफ तलवार कैसे थाम सकते थे। अलबत्ता कबूल इस्लाम के बाद हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो हुजूर के साथ जंगों में शरीक रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने खिलाफत में जो जंगें लड़ी गई उनमें आपने वाज़े कारनामे अंजाम दिए। तो हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो की ताज़ीम व तकरीम, अकीदत व मोहब्बत की पहली वजह उनका शर्फ़ इस्लाम है। दूसरी वजह क्या है, वो शर्फ सहाबियत है। सहाबा किन्हें कहते हैं, हुमुल मुमिनून अल्लज़ीन अदरकु सोहबत नबी अलैहि सलाम माल ईमान। सहाबा उन मोमिनों को कहते हैं, पहली शर्त ईमान है, जिन्होंने हालत ईमान में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत को पा लिया हो। वो खुशनसीब मोमिन जिन्होंने हालत ईमान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत को पाया हो। हजरत मुआविया ने रसूलुल्लाह की हयात तय्यबा में कलेमा पढ़ा, रसूलुल्लाह की सोहबत को पाया, सफर व हजर में आपके साथी रहे, तो आपका रसूलुल्लाह का सहाबी होना मुत्तफ़क़ुन अलैह है। जब किसी शख्सियत की सहाबियत साबित हो जाए कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, तो फिर जरा नहीं की जाती। उसके बाद क्या है,
ये इकरार करना है, मानना और तस्लीम करना है, असहाबतु कुल्लुहुम उदूल, नबी के सारे सहाबा आदिल हैं। अल्लाह ने कुरान करीम में सहाबा के फजाइल जिक्र किए, उनके महासिन का बयान किया, उनके महामिद का तस्करा किया, कमालात और खूबियों की वजाहत फरमाई, और उनके लिए कहीं फरमाया रजी अल्लाह अनहुम व रजू अन, अल्लाह इनसे राजी, ये अल्लाह से राजी। हालांकि होता ऐसे है, छोटा बड़े से पहले राजी होता है और फिर बड़े को अपने से राजी करता है, लेकिन सहाबाई केराम की अजमत और शान देखिए, अल्लाह ताला ने उनके लिए फरमाया कि बड़ा इनसे पहले राजी है और ये भी बड़े से राजी है, रजी अल्लाह अनहुम व रजू अन। यह सवाल पैदा होता है कि अल्लाह का सहाबा से राजी होना, यह तो उनका कमाल समझ में आता है, अल्लाह सहाबा से राजी ये कमाल और खूबी है, समझ में आता है। सहाबा अल्लाह से राजी, ये भी उनकी मदा में जिक्र किया गया, उनका कमाल है। ये कमाल कैसे है? ये कमाल इस तरह है, जिन मसाइब और मुश्किलात से सहाबा से गुजरे, जिन तकलीफों से उन्हें गुजारा गया, अगर वो फिर भी अल्लाह से राजी हो, शिकवा जुबान पर ना आए, तो ये कमाल नहीं तो क्या है? रजी अल्लाह अन्हुम व रजू अन, ये सहाबा किराम की वो अजमत है जो फकत सहाबा के पास है, बाद वाले किसी इंसान के पास नहीं है। एक है अल्लाह का किसी बंदे के अमल से राजी होना, यहां नाराजगी का इम्कान है। एक है किसी बंदे की जात से राजी होना और फिर उसका कुरान में ऐलान कर देना, यहां नाराजगी का इम्कान और इहतमाल भी खत्म हो जाता है। इसीलिए अल्लामा इब्ने अब्दुल बर और अल्लामा इब्ने तैमिया ने लिखा है, असारिमुल मसलूल अला शातिमिर रसूल अल इस्तियाफ फी मारिफतिल असहाब, और किताबों में भी है, मर रजी अल्लाह लम यस्कुत अलैहि अबदा, जिससे अल्लाह अपनी रजा का ऐलान फरमा दे, बाद में उससे नाराज नहीं होते, क्योंकि ऐलान करते ही उससे है जिसने आखिर दम तक रजा के तकाजों को पूरा करना हो, और अगर उससे ऐलान कर दे जो पूरे ना कर सकता हो, तकाजे पूरे ना कर सके, तो अल्लाह की तरफ जहल की निस्बत लाजिम आती है। तआलल्लाहु अन ज़ालिका उलुवन कबीरा, अल्लाह ने सहाबा किराम की ज़वात से रजा का ऐलान फरमाया है। तो सहाबा किराम वो शख्सियात साबित हुई जो मरते दम तक अल्लाह की रजा वाले कामों पे कायम रही, खिलाफ रजा कोई कौल और अमल उनसे सरजद नहीं हुआ, वो अल्लाह की तरफ से पहरे में हिफाजत में ले लिए गए। अल्लाह ने सबसे जन्नत का वादा फरमाया, वकुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, सहाबियत रब का इंतखाब है, सहाबी बनता नहीं है, इसे रब चुनता है, इंतखाबे खुदाबंदी है। अल्लामा इब्ने तैमिया ने असारिमुल मसलूल अला शातिमिर रसूल में हदीस जिक्र की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तारनी असहाबी, अल्लाह ने नबुव्वत और खत्म नबुव्वत के लिए मेरा इंतखाब किया, फिर मेरी सोहबत माइयत रफाकत और हमराही के लिए मेरे सहाब का इंतखाब भी खुद किया। तो सहाबा इंतखाब खुदाबंदी है, अल्लाह के नबी ने इनकी तकरीम और ताजीम का हुक्म दिया है, इन्हें अखियारुल उम्मत करार दिया है, अकरीमु असहाबी फइन्नहुम खियार। और हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हों का शर्फ सहाबियत इत्तेफाकी है, तो ये उनकी ताजीम और तकरीम और मोहब्बत और अकीदत का दूसरा सबब और दूसरी वजह है। तीसरी वजह क्या है? वो है शर्फ किताबत वही, कुरान करीम की हिफाजत का
बड़ा जरिया वही की किताबत है। और कातिबीन वही में हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो छठे नंबर पे हैं, कातिबीन वही में आप छठे नंबर पे हैं। अल हिजारतुल इस्लामिया में लिखा हुआ है, जब जहूर इस्लाम हुआ उस वक्त अरब में फकत 17 आदमी पढ़े लिखे थे, और उन 17 आदमियों में हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो का नामे नामी, इसमें गैरामी भी था। 17 आदमी पढ़े लिखे, एक तो पढ़े लिखे थे, दूसरे नंबर पर हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो की सलाहियतें हुजूर के सामने थी, औसाफ से आप वाकिफ थे, हजरत मुआविया की अमानत से, दयानत से, शराफत से, कुव्वत से। तो हुजूर ने एक दिन जिब्राईल से मशवरा किया हजरत मुआविया को वही का कातिब बनाने के सिलसिला में। अल्लामा इब्ने कसीर ने अलबिदाया व निहाया में लिखा है, जिब्राईल ने मशवरा दिया, इस्तकतिबहु फइन्नहु अमीनुन, मुआविया को किताबत वही का कलमदान सौंप दे क्योंकि ये अमानतदार है। यह मशवरा जिब्राईल का था। जिब्राईल अल्लाह की बारगाह में पहुंचे तो फिर अल्लाह ने जो मशवरा जिब्राईल ने दिया था उसको हुक्म की सूरत में तब्दील कर दिया, और उसकी वजह भी साफ बता दी। अल्लामा इब्ने कसीर लिखते हैं, जिब्राईल हुजूर के पास दोबारा आए, उन्होंने आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि अल्लाह ने मुआविया को सलाम भेजा है, इकरा मुआविया तस्सलाम, मुआविया को सलाम कहिए, वस्तौसी बिही खैरन, उन्हें भलाई की वसीयत कीजिए, फइन्नहु अमीनुल्लाह अला किताबिही व वहयिही, वो अल्लाह की किताब और वही के मामले में अमीन है। और फिर कैसे अमीन, वनेमल अमीन, बेहतरीन अमीन है, बेहतरीन अमीन है। तो अब अल्लाह की जानिब से सलाम भी आ गया, वही का कातिब बनाने का हुक्म भी आ गया, और अल्लाह ने साथ वजह भी बता दी कि फइन्नहु अमीनुल्लाह अला किताबिही व वही वनेमल अमीन। तो हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो को जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताबत वही का कलमदान सौंप दिया। आप कुरान लिखते थे, और कुरान करीम वो किताब है जिसकी तरफ कागज की निस्बत हो उस जैसा कागज कोई नहीं, अगर किसी कागज की निस्बत कुरान से हो उस जैसा दूसरा कागज कोई नहीं, अगर गुलाब की सूरत में किसी कपड़े की निस्बत हो तो उस जैसा कपड़ा कोई नहीं, अगर रेहल की सूरत में किसी लकड़ी की निस्बत हो उस जैसी लकड़ी कोई नहीं। हालांकि कपड़ा भी मखलूक है, कागज भी मखलूक है, लकड़ी भी मखलूक है, अगर कुरान की निस्बत मखलूकात को इज्जत बख्श रही है, इंसान तो अशरफुल मखलूकात है। और हजरत मुआविया अशरफुल मखलूकात होने के साथ नबी के सहाबी भी हैं। तो जब ये वही के कातिब बने तो इनकी शान और अजमत कितनी बढ़ गई, इसका अंदाजा हर बाशऊर कर सकता है। तो इनकी ताजीम और तकरीब और अकीदत और मोहब्बत की तीसरी वजह शर्फ़े किताबत वही है। फिर ये वही के कातिब ही नहीं थे, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खतूत भी लिखते थे, आपके पास जो खतूत आते थे वो पढ़ के भी सुनाते थे। इससे पता चला ये हुजूर के इंतहाई मोतमद थे, सेक्रेटरी थे, और ये मनसब वो है जिस पर मोतमद ही फाइज किया जा सकता है, गैर मोतमद को कभी भी फाइज नहीं किया जाता। ये तीसरी वजह है हजरत मुआविया की ताजीम व तकरीम और अकीदत व महब्बत की। चौथी वजह क्या है? चौथी वजह है महबूबियत रसूल। हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो रसूलुल्लाह के महबूब थे, मंजूर नजर थे। कैसे? अल्लामा इब्ने हजर मक्की रहिमहुल्लाह ने ततहीरुल जिनान में हदीस जिक्र की, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, देखा आपकी जौजे तय्यबा उम्मुल मोमिनीन
जो हजरत मुआविया की बहन है हजरत उम्मे हबीबा, जिनका नाम अस्माउर रिजाल के माहिरीन ने रमला जिक्र किया है, उन्होंने हजरत मुआविया का सर अपनी झोली में रखा हुआ है और सर खुजला रही है, बालों को साफ कर रही है। हजरत मुआविया की बहन हजरत उम्मे हबीबा रसूलुल्लाह की ज़ौजा तय्यबा मोमिनीन की मां, अल्लाह के रसूल तशरीफ ले आए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो हजरत उम्मे हबीबा से सवाल किया, ए उम्मे हबीबा, आप मुआविया से मोहब्बत करती हैं? आप मुआविया से मोहब्बत करती हैं? तो हजरत उम्मे हबीबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, क्यों नहीं, मेरा भाई है, मैं अपने भाई से मोहब्बत ना करूं तो क्यों ना करूं। अल्लाह के रसूल ने जवाबन फरमाया, ए उम्मे हबीबा, अकेली तू ही मुआविया से मोहब्बत नहीं करती, अल्लाह और उसका रसूल भी मुआविया से मोहब्बत करते हैं। यहां से पता चला हजरत मुआविया रसूलुल्लाह के महबूब हैं, मंजूर नजर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआविया के लिए दुआएं की और एक एक जुमले में कई कई दुआओं को जमा कर दिया। कंजुल उम्माल की सातवीं जिल्द 87 सफा पर हदीस है जिसमें हुजूर ने हजरत मुआविया के लिए दुआएं की, फरमाया, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब वल हिसाब वक़ीहिल अज़ाब। मौला मुआविया को इल्मे किताब अता फरमा, इल्मे हिसाब अता फरमा, अजाब से हिफाजत फरमा। अल्लाह के नबी ने तीन चीजें एक जुमले में मांगी हजरत मुआविया के लिए। अल्लाह के नबी की जैसे बाकी दुआएं कबूल हुई, यकीनन ये दुआ भी कबूल हुई। फिर हालात इसकी तस्दीक करते हैं, अल्लाह ने हजरत मुआविया को इल्मे किताब भी दिया, इल्मे हिसाब भी दिया और अल्लाह अजाब से भी हिफाजत फरमाएंगे। जब एक हदीस में तीन अज्जा है, दो की कबूलियत दुनिया आंखों से देख चुकी, तीसरी की कबूलियत को रोजे हशर देख लेंगे। इल्मे किताब की दुआ मांगी, इल्मे किताब कितनी पावर और ताकत वाला इल्म है, इसका अंदाजा कुरान करीम में मजकूर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक वाकया से लगाया जाए। हजरत सुलेमान को इत्तला मिली मलका सबा, मलका बिल्किस फलाने इलाके में है, ये उसके अहवाल हैं, इतना बड़ा उसका तख्त है। हजरत सुलेमान ने अपने असहाब को कहा, उसका तख्त मेरे पास कौन लेके आएगा? एक ने खड़े होके कहा, मैं। कितनी देर में? अना आती कभी ही कबल अंतकूमा मिन मकामी, तेरी जगह से उठने से पहले। फरमाया, मुझे तो इससे भी पहले चाहिए। एक शख्स और उठा, उसने कहा, मैं ला सकता हूं। कितनी देर में? कबल अय्यर तद इलई का तरफुक, इजाजत के बाद पलक झपकने से पहले। आंख बंद करके आप खोलेंगे, मलके बिल्किस का तख्त आपके सामने होगा। और वो ले आए। सवाल ये है, इसके पास कौन सी ताकत थी, कौन सी पावर थी? कुरान कहता है, अल्लज़ी इंदहु इल्मु मिनल किताब, इसके पास इल्मे किताब की पावर थी। इल्मे किताब की पावर से इसने सैकड़ों मील की मसाफत से मलका बिल्किस का तख्त खींच लिया और पलक झपकने से पहले सुलेमान की मजलिस में हाजिर कर दिया। ये इल्मे किताब अल्लाह के नबी ने हजरत मुआविया के लिए अल्लाह से मांगा और अल्लाह ने हजरत मुआविया को दिया। फिर इसी इल्मे किताब की पावर से दुनिया के तख्त फतह होके हजरत मुआविया के कदमों में ढेर हो गए और इन्होंने 64,65,000 मुरब्बा मील पर इस्लाम का झंडा लहराया, इस्लाम को गालिब किया। अल्लाह के नबी ने दुआएं मांगी, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब, अल्लाह ने इल्मे किताब दे दिया, वल हिसाब, इल्मे हिसाब भी दे दिया। यह हजरत मुआविया की खिलाफत का इशारा है। हिसाब की जरूरत हुक्मरान को पड़ती है, खलीफा को पड़ती है, तो अल्लाह ने हजरत मुआविया को इल्मे हिसाब भी दिया और हुक्मरान से, खलीफा से,
सुल्तान से इज्तिहादी खताबी हो जाती है, समझने में भी फर्क लग सकता है, कोई गलती हो जाती है, तो अल्लाह के नबी ने दुनिया में ही अल्लाह से दरखास्त की वक़्ते ही ला अज़ाब, मौला अजाब से भी हिफाजत फरमाना। ये है हजरत मुआविया, ये महबूबियत है। तिर्मिज़ी में रिवायत आती है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन महदियन वहदी भी, ऐ अल्लाह मुआविया को हादी भी बना महदी भी बना। हादी और महदी, इनमें तलाजुम और तरादुफ नहीं है, ये दो अलग अलग अजमतें हैं, अलग अलग शानें हैं। एक हादी होना, एक महदी होना। हादी किसे कहते हैं? जो दूसरों को हिदायत दे, दूसरों की रहनुमाई करे, आमाल की दावत दे, खैर की तरफ बुलाए। और महदी किसे कहते हैं? जो खुद हिदायत पे हो। दो अलग अलग अजमतें हैं। आप कहेंगे कैसे? बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो हादी हैं महदी नहीं, बहुत सारे ऐसे हैं महदी हैं हादी नहीं। आप कहेंगे कैसे? हादी हैं महदी नहीं, जैसे बेअमल वाइजी हादी हैं महदी नहीं। जिन आमाल की लोगों को दावत देते हैं खुद उन पे नहीं होते, ये हादी हुए महदी नहीं। और वो कौन है जो महदी है हादी नहीं? वो आरिफीन, जो खलवत नशीन हो जाते हैं, गोशा नशीन हो जाते हैं, वो महदी होते हैं हादी नहीं। लोगों को दावत नहीं देते, लोगों की रहनुमाई नहीं करते, खुद अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, एक लम्हा भी अल्लाह की याद से गफलत में नहीं गुजारते, महदी हैं हादी नहीं। तो अल्लाह के नबी ने ये इकट्ठी दोनों शाने हजरत मुआविया के लिए अल्लाह से मांगी है कि ये हादी भी हो महदी भी हो। और फिर ततीमे के तौर पे फरमाया वहदी भी, अल्लाह इसके जरिए लोगों को हिदायत देना। हजरत मुआविया के अहवाल, सीरत और किरदार को देखकर लोग अपनी सलाह कर लिया करते थे। ऐसी दुआएं महबूब और मंजूर नजर के लिए ही की जा सकती है, गैर के लिए नहीं की जा सकती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआविया के लिए दुआएं मांगी हैं। इमाम ज़ाहबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तारीख में लिखा है, अपने असफार में हजरत मुआविया को रदीफ बनाया। रदीफ अरबी में कहते हैं सवारी पे जिसे पीछे बिठाया जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर पे साथ लेके गए, जब सवारी चली कदमों में तेजी आई तो हजरत मुआविया सवारी की तेजी की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन से जा मिले, सीना और पेट हुजूर की कमर के साथ मस करने लगा। अल्लाह के नबी ने इल्म के बावजूद हजरत मुआविया की शराफत और शान के इजहार के लिए सवाल किया, मुआविया तेरे बदन का कौन सा हिस्सा मेरी कमर से लग रहा है? हजरत मुआविया ने अर्ज किया सीना और पेट। हुजूर ने वही हाथ उठा दिए, अल्लाहुम्मा मलाहु इल्मन व हिल्मन, अल्लाह इसे इल्म और हिल्म से भर। अल्लाह ने इल्म भी अता फरमाया, इल्म ऐसा अता फरमाया कि हजरत मुआविया फकीह हैं। वितर के बारे में जलीलुल कदर साहबा ने उनकी राय के बारे में कहा, असाबा इन्नहु फकीहुन। इल्म ऐसा, और इल्म ऐसा ततहीरुल जिनान में रिवायत आती है, अल्लामा इब्ने हजर मक्की ने लिखा, अगर हुजूर ने हजरत अबू बकर के लिए फरमाया अहलमु उम्मती अहलमु, अगर अबू बकर के लिए फरमाया अरहमु उम्मती बि उम्मती अबू बकर, हजरत अबू बकर के लिए फरमाया अरहमु उम्मती बि उम्मती अबू बकर, मेरी पूरी उम्मत में से उम्मत पर सबसे ज्यादा रहम करने वाले अबू बकर हैं, तो हजरत मुआविया के लिए फरमाया अहलमु उम्मती मुआविया तुबनु अबी सुफियान, मेरी पूरी उम्मत में सबसे हौसले वाले शख्स हजरत मुआविया है। अल्लाहुम्मा मलाहु इल्मन व हिल्मन, इल्म और हिल्म कैसा था, इस पे अगर वाकयात का
सिलसिला बयान किया जाए, वाकयात को बयान का सिलसिला शुरू किया जाए, तो बहुत सारे वाकयात हैं, वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआविया से मोहब्बत की, उन पे एतमाद किया। मजमा ज़वाइद की नामी जिल्द में 355 सफा पे रिवायत आती है, किसी मामला में हजरत शैखैन करीमैन रजी अल्लाह अन्हुमा अबू बकर उमर से मशवरा तलब किया। उन्होंने अर्ज किया अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं, फिर मशवरा मांगा। उन्होंने फिर यही कहा अल्लाह और उसका रसूल खूब वाकिफ है। तो फिर हुजूर ने फरमाया उदऊ मुआविया उहजुरू अमरकुम फइन्नहु कवियुन अमीन। अब मुआविया को बुलाओ, अपना मामला उसके सामने पेश करो, क्योंकि वो अमानतदार भी है, कुव्वत वाला भी है। और याद रखिए अमानत और कुव्वत ये दो चीजें वो हैं, किताबत वही के लिए भी जरूरी है, खिलाफत के लिए भी जरूरी है। हजरत मुआविया में अल्लाह ने दोनों रखी, अमानत भी कुव्वत, दयानत भी ताकत। न किसी लालच की वजह से खयानत कर सकते थे, न किसी से मरऊब होकर खयानत कर सकते थे। इसलिए अल्लाह ने वही की किताबत भी अता फरमाई, मोहम्मद की खिलाफत भी अता फरमाई। तो उनकी ताजीम और तकरीम और मोहब्बत और अकीदत लाजमी और जरूरी है। वजूहात क्या है? नंबर एक शर्फ इस्लाम, नंबर दो शर्फ सहाबियत, नंबर तीन शर्फ किताबत वही, नंबर चार शर्फ महबूबियत रसूल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब हैं। अल्लाह के नबी ने दुनिया में भी इनके लिए बशारतें सुनाई, आखिरत में भी। दुनिया में अलविदाया वल निहाया में है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब वमक्किन लहू फिल बिलाद वबदिहिल अज़ाब। अल्लाह इल्मे हिसाब अता फरमा, शहरों में तमकीन मजबूती और हुकूमत अता फरमा, अजाब से हिफाजत फरमा। बशारत है। हजरत मुआविया हुजूर को वुजू फरमा रहे थे, वुजू करवा रहे थे। हुजूर को वुजू करवाने से फारिग हुए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया या मुआविया इन वुल्लीता अमरन फत्तकिल्लाह वादी, अगर अल्लाह तुझे हुकूमत दे तो अदलो इंसाफ करना। हजरत मुआविया कहते हैं मुझे यकीन हो गया कि हुकूमत जरूर मिलेगी। हजरत उमर ने अपने जमाने खिलाफत में शाम की हुकूमत दे दी, हजरत उस्मान खलीफा बने, उर्दन फलस्तीन और बहुत सारे इलाके दे दिए, और जब हजरत हसन बिन अली ने खिलाफत छोड़कर दस्तबरदार होके हजरत मुआविया के हाथ पे बैत कर ली, तो पूरा इस्लामी रकबा हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हो की सरपरस्ती में आ गया। ये दुनिया की बशारतें हैं, और आखिरत की बशारतें क्या है एक जिक्र करता हूं। कंजुल उम्माल में हदीस आती है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यबअसुल्लाहु मुआविया यौमल कियामती वअलैहि रिदाउम मिन नूरिल ईमान। अल्लाह कयामत के दिन हजरत मुआविया को इस हाल में उठाएंगे कि वो नूरे ईमान की चादर से ढके होंगे, उन पे नूरे ईमान की चादर हो। ये है महबूबियत। रसूलुल्लाह के महबूब थे, मोतमद थे, मंजूर नजर थे। इस वजह से इनकी ताजीम और तकरीम और इनकी अकीदत और मोहब्बत नस्बत नबुव्वत का लिहाज रखते हुए आले इस्लाम के लिए लाजमी और जरूरी है। इनका बोस, इनकी अदावत वो तबाही और बर्बादी का मूजिब है। एक वजह और जिक्र करना चाहूंगा, पांचवी वजह, वो है कराबत रसूल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कराबतदार थे, और कराबत में बहुत सारों से आगे थे। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत मुआविया का सिलसिला नस्ब अब्द मन्नाफ पे जाके मिल जाता है। अब्द मन्नाफ हुजूर और हजरत मुआविया दोनों के दादा हैं। अब्द मन्नाफ पे मिल जाता है, कैसे? हुजूर के वालिद का नाम अब्दुल्ला,
उनके वालिद का नाम अब्दुल मुत्तलिब, उनके वालिद का नाम हाशिम और हाशिम के वालिद का नाम अब्द मन्नाफ, हजरत मुआविया के वालिद का नाम अबू सुफियान, उनके वालिद का नाम हर्ब, उनके वालिद का नाम उमैया, उनके वालिद का नाम अब्द शम्स और उनके वालिद का नाम अब्द मन्नाफ, दोनों का दादा एक हो जाता है, कराबतदार थे। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुराली रिश्तेदारों में से हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो, आपकी बहन रमला जिनको उम्मे हबीबा कहा जाता है, वो हुजूर के निकाह में थी, उम्मुल मोमिनीन है, आले ईमान की मां है। तो आप ससुराली रिश्तेदारों में से हैं, नबी के साले हैं, बिरादर निस्बती हैं जिसे ब्रदर इन लॉ कहते हैं। और हुजूर अपने ससुराली रिश्तेदारों के बारे में क्या वसीयत फरमाते हैं, अल्लामा इब्ने हजर मक्की ने तत्हीरुल जिनान में लिखा, हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा और मेरे ससुराली रिश्तेदारों का बुराई से जिक्र ना करो, जो उनके बारे में मेरे हुकूक की रियायत करेगा, जो उनके बारे में मेरे हुकूक की रियायत करेगा अल्लाह उस पर एक निगरान और मुहाफिज मुकर्रर कर देगा, वो उसको नुकसान से बचाएगा, और जो उनके बारे में मेरे हुकूक की रियायत नहीं करेगा अल्लाह ताला उसे छोड़ देगा और फिर अल्लाह उसे किसी मुसीबत में गिरफ्तार कर लेगा। यह भी वजह है हजरत मुआविया की ताजीम और तकरीब और उनकी अकीदत और मोहब्बत के लाजमी और जरूरी होने की। अल्लाह के रसूल के कराबतदार हैं, शर्फ कराबत रसूल अल्लाह ने हजरत मुआविया को अता फरमाया। एक वजह और जिक्र करता हूं, वो ये है इस दुनिया में दीन का जाहिरी और मादी गलबा हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो के जमाने खिलाफत में हुआ। एक है दीन का इल्मी और इस्तेदलाली गलबा, इस्लाम का इल्मी और इस्तेदलाली तौर पे गालिब रहना, ये तो इस्लाम रोजे अव्वल से है, हमेशा गालिब रहेगा। एक है जाहिरी और मादी गालिब होना, जाहिरी और मादी गलबा, ये कुछ सिफात और शराइत के साथ मखसूस है। वो सिफात और शराइत पहले थी, इस्लाम गालिब था, आज नहीं रही, कुफर गालिब आ गया, क़यामत से पहले फिर वो सिफात पैदा होंगी। नुज़ूल ईसा ज़हूर मादी जब होगा तो उस जमाने में फिर वो सिफात वाज़े होंगी, उस वक्त फिर ज़ाहिरी और मादी लिहाज से इस्लाम का गलबा होगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस इस्लाम को लेकर आए, हजरत अबू बकर ने मेहनत की, फिर हजरत उमर ने मेहनत की, फिर हजरत उस्मान ने मेहनत की, तो इस तरह तदरीज के साथ इस्लाम की रफ्तार बढ़ती गई, गलबे की तरफ इस्लाम जाता गया। हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो जब खलीफा बने तो उन्होंने इतने ज्यादा रकबे पर इस्लाम का परचम लहराया कि दुनिया का कुल रकबा है 1,20,00,000 मुरब्बा मील, जो अर्जियात के माहिरीन ने लिखा 1,20,00,000 मुरब्बा मील, इसका निस्फ 60,00,000 बनता है। अगर 60,00,000 तक भी इस्लाम का परचम लहरा दिया जाए इसे गलबा नहीं कहते, ये इस्तेवा कहलाता है, दोनों साइडें बराबर हैं। लेकिन हजरत मुआविया के जमाने खिलाफत में 60,00,000 से ऊपर कितना गया, 4,65,000, और कुल 64,65,000 मुरब्बा मील पे इस्लाम का परचम हजरत मुआविया ने लहराया। इस तरह हजरत मुआविया ने इस्लाम को जाहिरी लिहाज से दुनिया पे गालिब किया। एक ये वजह भी है, इनकी ताजीम और तकरीम की जाए और इनसे मोहब्बत और अकीदत रखी जाए, क्योंकि इन्होंने जाहिरी और मादी लिहाज से बेसत नबवी के मकसद को पूरा किया है, जाहिरी और मादी लिहाज से, और इसके लिए इनकी मेहनत बहुत पहले से शुरू थी। हजरत उस्मान बिन अफ्फान रजी अल्लाह ताला अन्हो के जमाने खिलाफत में हजरत उस्मान बिन अफ्फान से इजाजत लेकर इन्होंने बहरिया की तश्कील की, बहरी बेड़े को कायम किया। पहले इस्लामी बहरी बेड़े के मूजिब
हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जहाज साज फैक्ट्रियां लगाई, बहरी बेड़ा तैयार किया, लगभग 500 के उस पे जहाज खड़े किए और फिर रोमन बहरिया को शिकस्त फाश दी और रोम को मुसलमानों की बाजीगाह बना दिया। बहरी जंग के लिए रास्ते खुल गए, गलबे इस्लाम का रास्ता हमवार हुआ और अल्लाह के नबी ने जो जन्नत की बशारत दी हजरत उम्मे हराम वाली रिवायत में, हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान उसके मिसदाक थे। सन 8 हिजरी में कब्रस फता किया, उम्दतुल कारी शरा बुखारी में लिखा है, सन 8 हिजरी में कब्रस फता किया और अल्लाह के नबी की बशारत की रूह से जन्नत के मुस्तहिक ठहरे। तो हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की ताजीम व तकरीब, इनकी अकीदत व मोहब्बत की एक वजह यह भी है कि इन्होंने अपने जमाने खिलाफत में जाहिरी और मादी लिहाज से इस्लाम को मजाहिब आलम पर गालिब कर दिया। 64,65,000 मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहराया और इनकी ताजीम व तकरीम और मोहब्बत व अकीदत की एक आखिरी वजह और जिक्र करता हूं, है तो बहुत सारी, आज के बयान में आखिरी वजह वो ये, हजरत हसनैन करीमैन खानदान नबूवत आले बैत रसूल, उन पर एतमाद का तकाजा ये है कि हजरत मुआविया की ताजीम व तकरीम की जाए, इनसे मोहब्बत और अकीदत रखी जाए। वो कैसे, हजरत अली के साथ सिफीन में लड़ाई हुई, उसके मुहर्रिकात क्या थे, असबाब और अवामिल क्या थे, वजूहात क्या थी, गुज़िश्ता जुमा मैंने इस पर तफसीली बयान किया। इज्तिहादी इख्तिलाफ की वजह से लड़ाई हुई और उस लड़ाई की वजह से दोनों की अजमत और शान में इजाफा हुआ। अल्लाह की एक हिकमत थी, जब वो पूरी हुई तो दोनों की सुलह हो गई, मिलजुल के रहने लगे, फिर दोनों की औलादें भी मिलजुल के रही, आपस में रिश्तेदारियां भी हुई, हत्ता कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के दोनों साहिबजादे हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत मुआविया के हाथ पर भरे मजमा में बैत कर, और हजरत हसन तो मसनद खिलाफत पे मुतमक्किन हो चुके थे, वो तो खलीफा बन गए थे, खिलाफत से दस्तबरदार होकर हजरत हसन बिन अली ने हजरत मुआविया के हाथ पे बैत की, और फिर अकेले हसन नहीं थे, शहीद करबला हजरत हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह ताला अन्हो भी साथ थे। तो जब अली के साहिबजादों ने रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन हजरत मुआविया के हाथ पे बैत कर ली, तो अब बताइए किस तरह हजरत मुआविया की ताजीम तकरीम से भागा जाए, इनकी मोहब्बत व अकीदत से रूह गिरदानी की जाए। हजरत अली के साहिबजादों ने बैत की, नमाजें पीछे पड़ी, वजायफ लिए, साथ रहे, मशवरे दिए, तो यह भी हमें मजबूर करता है, यह पहलू भी हमें मजबूर करता है कि हजरत मुआविया की ताजीम और तकरीम की जाए और उनसे मोहब्बत और अकीदत रखी जाए, वगरना दुनिया तो जैसे गुजरी सो गुजर जाएगी, आखिरत जरूर तबाह हो जाएगी। इसलिए नबी का कोई भी सहाबी हो, हमारे दिल में बात नहीं आनी चाहिए, कहते हैं जी फुलाने सहाबी से ये अमल हुआ, फुलाने से ये हुआ, भाई वो अल्लाह की हिकमत के तहत कराया गया और उनसे जो भी हुआ उसके बावजूद जब अल्लाह ने कह दिया रजी अल्लाह अन्हुम व रजू अन्हु, अल्लाह इनसे राजी, ये अल्लाह से राजी, जब अल्लाह ने कह दिया कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सबसे जन्नत का वादा कर लिया, तो फिर आज का फलासफर कौन होता है साहबा की आमली जिंदगी को लेकर मौजू बहस बनाने वाला। उनकी इज्जत व तकरीम के वाजिब और लाजिम होने की वजह उनके आमाल नहीं है, मकाम सहाबियत और निस्बत इलन नबुव्वत है, न मकाम सहाबियत साइल होता है न निस्बत मुनकते होती है।
या तो अमल वो दिखाओ जो इन दो चीजों का खात्मा करे। ये हो नहीं सकता तो फिर तनकीद उन पर जायज भी नहीं हो सकती। तो उनकी इज्जत और तकरीम नस्बत नबुव्वत की वजह से है, मकाम सहाबियत की वजह से है। वो कुछ भी करें ये दोनों चीजें कायम और मौजूद रहती हैं, तो नतीजा साफ जाहिर है, हर हाल में उनकी ताजीम और तकरीम लाजमी और जरूरी रहती है। उनकी अकीदत और मोहब्बत वाजिब और लाजिम रहती है, और हजरत मुआविया का शर्फ सहाबियत इत्तेफाकी है। इसलिए हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हों से आले सलाम अकीदत और मोहब्बत रखते हैं, उनकी ताजीम और तकरीम को अपना सरमाया हयात समझते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अकायद सहीहा अकायद अहले सुन्नत वल जमात पर इस्तेकामत अता फरमाए और हमारा खातिमा ईमान पर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।